तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा माउस कर्सर नॉट मूविंग जो प्रॉब्लम है, ठीक है। माउस का कर्सर मूव नहीं हो रहा है, इसका जो प्रॉब्लम है इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, दो तीन तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, हाउ टू फिक्स माउस कर्सर नॉट मूविंग प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको दो तीन चीजें चेक कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है जो माउस का केबल है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो ये जो केबल है ये प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो ये केबल प्रॉपरली कनेक्टेड है। ये कैसे समझोगे आप प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टील का एक थोड़ा सा आप देख सकते हो स्टील का जो ये है ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो मतलब ये प्रॉपरली कनेक्टेड है। ये अगर आप पूरा अंदर घुस गया है आपका, इसका मतलब ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, इससे आपका जो पोर्ट है ये खराब हो सकता है, ठीक है। आपका जो पोर्ट है ये खराब हो सकता है, आप इसको अगर प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं कर रहे हो तो इसका जो पोर्ट है ये खराब हो सकता है और यहाँ पर आपका माउस कर्सर मूव नहीं होगा, ठीक है। आपका माउस कर्सर कोई भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये प्रॉपरली कनेक्टेड है, इसीलिए मेरे माउस पे जो है लाइट जो है ऑन है, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर आपने जो है माउस का तो ये हो गया, लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, मैं लैपटॉप ही यूज कर रहा हूँ उसमें माउस जो है एडिशनल है तो इसलिए मैंने माउस का दिखा दिया, लेकिन आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो आपको दो तीन चीज चेक कर लेना है। सबसे पहला तो चीज ये चेक करना है आपके लैपटॉप में जो है टच पैड ये ऑन है कि नहीं। इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको ज्यादातर लैपटॉप में F6 के बटन पे ही होते हैं, जैसे कि मेरा Asus का है तो Asus में जो है F6 पे है, तो इसको इनेबल कर देना है। पहले आप इसको डिसेबल कर देना एक बार दबा के, दूसरी बार दबा के इसको इनेबल कर देना। तो गाइज ऐसे आप पहले तो इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन आपका माउस फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आपको अपना माउस चेंज करना पड़ेगा, सिंपल से बात। तीसरा तरीका यह है दोस्तों, आपको डिवाइस मैनेजर सर्च करना है। ये मैंने और एक वीडियो पे बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डिवाइस मैनेजर सर्च करना है और यहाँ पर आपको दो अपडेट करना है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो माउस का जो मतलब वो होता है इसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। माउस का जो ड्राइवर है इसको अपडेट करना है और आपको यहाँ पर इंटेल UHD ग्राफिक्स कार्ड इसको जो है अपडेट करना है। इन दोनों चीज को आपको सिंपल से अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो अपडेट करने के लिए सिंपली इसका राइट क्लिक करोगे, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सर्च ड्राइवर पे क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा। तो इसको करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या फिर PC या फिर कंप्यूटर को जो भी है आपके पास इसको सिंपली आपको रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा।